नमस्कार दोस्तों, उत्तम टेक्निकल हेल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आपको पता होगा कि YouTube में आया हुआ है एक नया अपडेट, जिसके बारे में आपको पता होगा। इस अपडेट के बाद कुछ लोगों को हुआ है इससे फायदा, लेकिन कुछ लोगों को हुआ है इससे प्रॉब्लम। तो जिसको हुई है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम कैसे करनी है सॉल्व, वो आज हम आपको बता देते हैं। दोस्तों जब से यूट्यूब के अंदर आया है नया अपडेट, यहाँ पे ऑटो प्ले का आ गया है ऑप्शन, जहाँ पे आपका फोन में जो डाटा है वो बहुत जल्दी से डेटा को बहुत जल्दी से ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये ऑटो प्ले चलता रहता है, जिससे हमारा डाटा यूज होता रहता है। तो ऐसे हमारे फ़ोन में डाटा बहुत ज़्यादा यूज कर लेता है हमारा YouTube। तो इससे बचने के लिए आपको इस ऑटो प्ले को अगर आप बंद करना चाहते हो तो कैसे बंद करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप होम स्क्रीन के या फिर आपको ऑटो प्ले के जो ऑप्शन है उनको आप कैसे बंद कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे आज जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए हुए। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, ताकि मेरी आने वाली सभी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उनका सबसे पहले लाभ उठा सके। वीडियो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों तो जैसे ही आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लें, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए आपको ऊपर आपको वीडियो दिख रहा होगा जो ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है। इस ऑटोमेटिक प्ले वीडियो को आपको कैसे बंद करना है, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों तो सबसे पहले आपको जो कॉर्नर में ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपके आप जब आप YouTube ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लोगो दिखेगा, तो इस लोगो पे आपको एक बार टैप करना है। जैसे आप इस पर एक बार टैप करेंगे, आपके सामने एक नीचे ऑप्शंस मिलेगा सेटिंग का, तो आपको इसको सेटिंग के अंदर चले जाना है। दोस्तों जैसे आप सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जर्नल के नीचे, दूसरे नंबर पर मिलेगा ऑटो प्ले का ऑप्शन, तो इस ऑटो प्ले पर आपको क्लिक कर देना है। ऑटो प्ले पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑटोमेटिक दूसरी वीडियो प्ले हो जाती है, उसको अगर आप बंद करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिक वीडियो प्ले नहीं होगी। अगर आप होम स्क्रीन में जो चल रहे थे वीडियो, उनको आप प्ले करने से बंद करना चाहते हो तो नीचे वाले सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे वाईफाई ओनली लगा हुआ है या फिर ऑलवेज ऑन लगा होगा आपके फोन में, तो इन दोनों को हटा के आपको ऑफ कर देना है। जैसे ही आप ऑफ कर देंगे तो ये दोनों ही आपके फोन से क्लोज हो जाएंगे और जो होम स्क्रीन में जो वीडियो प्ले होते हैं वो दोनों बंद हो जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं दोनों वीडियो ही प्ले होना बंद हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने डेटा को भी बचा सकते हैं और अपने फोन में जो एक्स्ट्रा पड़े हुए लोड को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्ले होता है तो आपके फोन में लोड बढ़ता रहता है और आपका फोन हीट होने से भी बच सकता है दोस्तों, और इससे आपकी बैटरी भी कम लगेगी। तो इस ऑप्शन को अभी बंद कर दीजिए, जिससे आपका डेटा भी कम लगेगा, लेकिन आपको अगर इस ऑप्शन अच्छा लग रहा है तो आप इसको ऑन करके भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का यूट्यूब की तरफ से छोटा सा अपडेट। आपको अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और यूट्यूब से रिलेटेड आपको और कौन सी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको आगे ऐसी ही और नई वीडियो लेके दे दूंगा दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियो ना देखी, ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी, वहां से आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरे इंस्टा ट्विटर वगैरह में फॉलो ना किया हो तो नीचे फेसबुक पेज सबका लिंक मिल जाएगा सोशल मीडिया का, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम वहां पर भी बता सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।